लाइन से बात करें, उनका गोल्ड कार्ड हम बनवाएंगे, उनको पर्सनली उनको गोल्ड कार्ड बनवाएंगे। बहुत ही आसान है ये काम, और उस गोल्ड कार्ड को रोज पढ़ना है। जो लोग वास्तव में अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, जो टारगेट आपने रखा है 1 लाख का, 50 हजार का, 2 लाख का, वो टारगेट तभी पूरा होगा जब आप रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत बहुत एक्टिव होता है, उसको एंटर कर देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आपकी चिंता खत्म। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो सारे रास्ते ढूंढ के निकाल लेगा जिससे कि वो आपका गोल अचीव हो जाए। उसके ऊपर शक मत करिए, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ताकतवर है। लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस तक तो जाने तो दीजिए कि आपको 2 लाख रुपए महीना कमाना है। आप जाने तो दीजिए कि आपको कितना चाहिए, दिसंबर तक 50 हजार रुपए महीना चाहिए। ये जाने तो दीजिए अपने सबकॉन्शियस तक, रास्ते तो वो निकालना शुरू कर देगा। ऐसे लोगों को आपसे मिलवाना शुरू कर देगा जो लोग आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो लेकिन उसको सबकॉन्शियस जाने के लिए ये गोल्ड कार्ड बहुत ही साइंटिफिकली काम करता है। अगर इतना छोटा सा काम, एक गोल कार्ड नहीं बना रहे आप, तो आप सोचिए जो भी आपकी जो सपने हैं, वो जो कल्पना है, वो कैसे पूरी हो सकती है यदि आप एक छोटा सा प्रयत्न करने के लिए रेडी नहीं है। तो आप सब लोगों का दिल दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर 84 लोग हैं, लेकिन आज भी जब हम 6 बजे यहाँ पर आए थे, किसने अटेंडेंस लिए है देखा है, कितने लोग थे उस टाइम? हमने उस टाइम पे अटेंडेंस लिए आप लोगों की, कितने कितने लोग थे, कोई बता सकता है? यस, हारून जी बताएंगे। हारून जी अपने आप को अनम्यूट करिए, जरा अनम्यूट करिए। यस, हेलो हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट करिए। यस जी मैम, नमस्कार नमस्कार। मैम। 6 बजे सारे लोग कितने जी थे? ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, तो आप हाथ किस चीज के लिए पहले उठा मतलब रहे? यस 6 बजे से पहले ज्वाइन हो गए थे, मैंने इसलिए उठा दिया था, मिस्टेक हो गया। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो मैं आपको जो बता रही हूँ, 84 या 83 लोग जो अब हैं, वो उतने लोग उस टाइम पे नहीं थे। 50+ 51 लोग उस टाइम पे थे। तो आप सोच के देखिए, जो लोग आ रहे हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मिलेनियर मॉर्निंग क्लब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मत सोचिए। मिलेनियर मॉर्निंग क्लब का जो सेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कमांडो बनने में। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरे दिमाग की इजाद नहीं है ये कि मैं मिलेनियर मॉर्निंग क्लब आपको करा रही हूँ। ये दुनिया के सबसे टॉप कामयाब लोगों की बनाई हुई ये चीजें हैं, फॉलो करी हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं। तो यदि आप और हम भी इस चीज को फॉलो कर लें, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे, तय है। तो हमें किसी भी तरह से अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें कामयाब लोगों के द्वारा बनाया हुआ जो तरीका है उसको फॉलो कर लेना है। तो यदि आप आ ही रहे हैं, तो आप मिलीनियर मॉर्निंग क्लब खत्म करके मत आइए। आपकी अटेंडेंस जो 6 बजे लगती है, वो आपके इस कमांडो ट्रेनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आपको ये नहीं सोचना है कि ठीक है, मिलीनियर मॉर्निंग क्लब में मुझे कुछ नहीं करना और ये स्किप कर देता हूँ और फिर मैं बाद में आ जाता हूँ। ठीक है, आप सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, इससे भी आप सीखेंगे। और देखिए, हमारे यहाँ दोनों तरह के लोग हैं, विश्वास मानिए। यहाँ वो लोग भी हैं जो कमांडो ट्रेनिंग के लिए निश्चय कर चुके हैं कि मुझे कमांडो बनना है, और वो लोग भी हैं जो जैसे पहले काम चल रहा था, जैसे वर्क हो रहा था, वैसे अभी कर रहे हैं। और हम दोनों का ही बहुत दिल दिल से स्वागत करते हैं। किसी को भी हम कम नहीं मानेंगे, हम हर एक के साथ उसकी नीड और उसके समय के हिसाब से काम करने को तैयार हैं। लेकिन मैं इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहती हूँ कि कमांडो ट्रेनिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप MMC को ज्वाइन करें और वास्तव में दिल से ज्वाइन करें, उसको फॉलो करते हुए ज्वाइन करें, ताकि आपको पूरा लाभ मिले। वरना कमांडो ट्रेनिंग में अगर हमने कुछ चीजों को किया, कुछ चीजों को छोड़ दिया, तो जो पूरा लाभ आपको मिल सकता है वो रह जाएगा कहीं ना कहीं। तो जब कर ही रहे, तो पूरे मन से करें, पूरी तबीयत से करें और उसको 100% फॉलो करें। चलिए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक बार आप शानदार 87 लोगों का। और देखिए, यदि हमारी संख्या 100 पहुंच जाती है, तो हम लोगों ने, जिन लोगों ने ज्यादा मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, जैसे मैंने भी 2 से किया हुआ है, एक मोबाइल से और एक लैपटॉप से, शायद रविंदर सर ने भी किया हुआ है ऐसे ही, तो हम लोग अपना अपना जो एक एक्स्ट्रा है वो उसे खत्म कर देंगे, ताकि जो लोग एंटर कर सकते हैं वो एंटर कर पाए। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हम लोग अभी ये हमारा पहला वीक चल रहा है कमांडो ट्रेनिंग का, और जितने भी लोग कमांडोज नहीं फॉलो कर रहे अभी,
उनको भी स्वागत है इस प्रोग्राम में, वो भी जरूर आए और 100% यहाँ पर वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग का लाभ उठाए, क्योंकि चाहे छोटे छोटे स्टेप ही लीजिए लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि चाहे कोई दो कदम छोटे छोटे चल रहा है चाहे बड़े बड़े चल रहा है, जीतेगा हर व्यक्ति। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन जीतेगा वो व्यक्ति भी जो लगातार सतत निरंतर इसमें सीखते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो सभी का दिल दिल से वेलकम करना चाहती हूँ, और जिन लोगों ने कमांडो बनने का तय कर लिया है, एक बार उनके प्यारे प्यारे जूम हैंड देखना चाहती हूँ मैं, जिन लोगों ने तय कर लिया है कि यस मुझे तो कमांडो ही बनना है, इस 100 दिन में मुझे कमांडो बन के रहना है, ऐसे शानदार शानदार जोशीले डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पेशल वार्म वार्म वेलकम करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। कमांडोज का बहुत बहुत स्वागत है, आपके सपनों को और ज्यादा शार्प होना है, बहुत जल्दी से सपनों को आपके को स्ट्रांग होना है, और उसके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल दिल से तैयार हैं। अरे कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए मैं आपकी जरा एक प्यारी सी पिक ले लूं, जी बहुत सुंदर स्क्रीनशॉट मैं ले रही हूँ, सारे येलो येलो जो है हैंड्स मुझे दिख रहे हैं, ये बहुत खास लोग हैं, इनके सपने बहुत बड़े हैं, और हमारे बीच में एक सबसे बेहतरीन कमांडो जिनको मैं दिल से स्वागत करती हूँ, और वास्तव में उन्होंने ठान रखा है कमांडो बनने की, और अजब सिंह फौजी साहब को एक बार मैं वेलकम करना चाहूंगी, देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो, और मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने अपनी लाइफ को एक उसमें लगाया है अपनी फोर्सेस में, और यहाँ पर भी वो हमारे बीच में एक कमांडो के रूप में सबसे आगे रेडी हैं इसको करने के लिए। तो वेलकम सर, एक बार जरा जोश भर दीजिए इन सभी में, कैसे कमांडो बन के और क्या कर सकते हैं ये लोग, एक बार सर आपका जोश चाहिए यहाँ पर, प्लीज वेलकम। नमस्ते मैडम जी, नमस्कार सर, नमस्कार। जो महान में जितने भी लोग बैठे सभी को मेरा नमस्ते। कल मैं बोला था कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव शब्द आके मुंह पर नहीं आएगा, जवानी महसूस करोगे बुढ़ापे में भी। पॉजिटिव मतलब कहीं भी क्रोध नहीं आना चाहिए, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, हर समय पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने काम के प्रति ठान लेना चाहिए कि मुझे करके दिखाना तो हो जाता है। और क्या बोलूं मैडम जी, जैसे जैसे आप लोग का सहयोग मिल रहा है, आप लोग आशीर्वाद मिल रहा है, वैसे आगे बढ़ रहा हूँ। आपसे मुझे भी जोश आता पैदा, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और चलिए आज के ड्रीम यू पॉइंट मैडम। को और ड्रीम को और शार्प करने के लिए, इस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे बहुत ही बेहतरीन शानदार एनटीसी लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी ड्रीम पर, बहुत ही सुंदर आपसे बातचीत करने के लिए, प्लीज वेलकम मुकेश सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को नमस्कार। और जैसे कि बात हो रही थी, हमारा ये कमांडोज का ये फर्स्ट वीक चल रहा है कमांडो प्रोग्राम का। और कमांडो प्रोग्राम में कल एक असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था। सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट चेक करेंगे, उसके बाद फिर अब आगे क्या करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पूरा वीक ड्रीम के लिए है। ड्रीम मतलब सपने। कल ड्रीम की एक डेफिनेशन कल आप लोगों को बताई गई थी। किस किस को याद है ड्रीम की डेफिनेशन? किस किस को याद है? कौन बता सकते हैं? सपने की परिभाषा कल बताई गई थी। अच्छा, बाकी सब लोग जूम एंड डाउन कर लीजिए। जैसे कि अब मैं यदि जूम एंड रेज करने के लिए बोलूं या आपसे कुछ पूछूं तो आप लोग बता सकें, तो प्लीज एक बार अपने अपने जूम हैंड्स आप लोग डाउन कर लीजिए, लोअर कर लीजिए जूम हैंड्स। ओके ओके, दैट्स गुड। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कल एक परिभाषा बताई गई थी सपनों की। ड्रीम किसे कहते हैं? कौन बता सकते हैं आप लोगों में से? किसको याद है? यस यस, अनिल कुमार जी गंगानगर से, प्लीज वेलकम सर। यस सर, परिभाषा ऐसी वस्तुएं और ऐसी सुविधाएं जो हमारे पास होनी चाहिए मगर किसी परिस्थितिवश आज नहीं है, वही सब। ड्रीम सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सर का थोड़ा सा नेटवर्क का शायद फ्लक्चुएशन हुआ था जिसकी वजह से हम पूरा नहीं सुन पाए, लेकिन सर ने बताने की बिल्कुल पूरी सही कोशिश की है। सुरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी रोहतक से बताना चाहते हैं। यस सुरेंद्र जी, प्लीज वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, सपने वो होते हैं, ड्रीम होते हैं, वह वस्तु है या सुविधाएं जो आज हमारे पास किसी कारणवश नहीं है, वही हमारे सपने हाँ, आज कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी सुविधाएं जो आज होनी चाहिए हमारे पास,
हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश किसी परिस्थितिवश आज हमारे पास नहीं है, वही सब सपने हैं। तो चलिए, ये सपने लिखने के लिए आप लोगों को बोला गया था, क्योंकि ड्रीम का जो सबसे पहला पॉइंट होता है दैट इज फिक्स इट, सपने को तय कीजिए। तो सपने को तय करने के लिए कल सभी लोगों को बोला गया था कि अपनी अपनी ड्रीम बुक बना के लेके आनी है। तो चलिए एक बार सब लोगों की ड्रीम बुक चेक कर लेते हैं, किस किसने अपनी ड्रीम बुक बनाई है वो एक बार दिखाएंगे और फिर पढ़ के बताएंगे क्या क्या ड्रीम्स आप लोगों ने लिखे हैं। यस, बहुत सुंदर। चलिए ड्रीम बुक निकाल लीजिए सभी लोग, अपनी अपनी ड्रीम बुक। देखिए हमारे फौजी साहब दिखा रहे हैं अपना ड्रीम, एक सेकंड, देखिए मैं स्पॉटलाइट दूंगा, जो भी दिखाएंगे ना उनको स्पॉटलाइट। अजब सिंह जी, इलेक्ट्रिक कार वर्थ 10 लाख रुपीज, ओके वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया फौजी साहब। यस, इलेक्ट्रिक कार का फौजी साहब का ड्रीम है, दैट्स गुड। फौजी साहब अपनी ड्रीम बुक दिखा रहे हैं और आगे पलटेंगे पेज फौजी साहब, और आप लोग बोल के भी बता सकते हैं, यदि आप अपने अपने ही मुंह से यदि आप अपने ड्रीम्स को बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे देता हूँ। चलिए सब लोग अनम्यूट मत कीजिएगा, जिनको बोला जाए जो ड्रीम बुक दिखाएंगे वही बताएंगे। फौजी साहब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। फौजी साहब ने एक स्टेप आगे काम किया है, हमने सिर्फ लिखने के लिए बोला था, उन्होंने पोस्टर भी लगा के लेके आए हैं। बाकी लोगों ने जिन्होंने सिर्फ लिखा है बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, वो काम अब आगे कर लेंगे। फौजी साहब बोलिए प्लीज, क्या है ये थोड़ा सा दिखाइए, बोलिए। ये फार्म हाउस है सर, 2030। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दिखाते चलिए, देखिए फौजी साहब अपनी ड्रीम बुक दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले दिखाई आपको इलेक्ट्रिक कार जो उन्हें लेनी है, उसके बाद में फिर उन्होंने आपको दिखाया फार्म हाउस, अभी फार्म हाउस के बाद में फौजी साहब और क्या दिखा रहे हैं आप हमें? हाँ ये तो हो गई, इलेक्ट्रिक कार हो गई फौजी साहब, ये तो दिखा दी आपने, इलेक्ट्रिक कार भी हो गई, फार्म हाउस भी हो गया आपका, और लिखे हैं क्या कोई ड्रीम्स? फौजी साहब दोबारा से हो गए हैं। कुछ फोटो ढूंढ रहा हूँ, कुछ फोटो मिल जाएंगे चिपका के तब दिखाऊंगा आपको, ढूंढ रहा हूँ वो फोटो मिल जाएंगे। चलिए चलिए ठीक है, ढूंढिए आप, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे कौन दिखा रहे थे? भारती जी दिखा रहे थे ड्रीम बुक अपनी। भारती जी अनम्यूट कीजिए और दिखाइए पहले पेज। यस गुड मॉर्निंग, पहले पेज से दिखाना चालू कीजिए, सबको पूछेंगे, सबका चांस आएगा, हमारे पास पूरे 7 दिन है आपके ड्रीम के लिए, आप बस दिखाते जाइए बनाते जाइए। यस देखिए भारती जी ने लिखी है माई ड्रीम बुक, बहुत सुंदर, मैं स्पॉटलाइट देता हूँ भारती जी आप। यस माई ड्रीम बुक दिखाइए अब आगे क्या क्या सपने लिखे हैं भारती जी, अब एक एक पेज पलटते चलिए सपने दिखाते चलिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, देखिए भारती जी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन भी है। बताइए भारती जी आप बताइए, बोल के बताइए क्या है आपका पहला सपना? मेरा पहला सपना है जी 10 अगस्त 23 तक मुझे मतलब कोऑर्डिनेटर रैंक अचीव करनी है, ये मेरा पहला सपना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, फिर नेक्स्ट दूसरा सपना? दूसरा सपना है दिसंबर 2024 तक मुझे किसी मतलब कोऑर्डिनेटर की रैंक अचीव करनी, ये मेरा दूसरा सपना है। ओके तीसरा, सब लोग तैयार हो जाइए अपनी अपनी ड्रीम बुक निकाल कर बताने के लिए। जी सर, तीसरा सपना है मेरा स्टेट टीम कॉलेज तक का सफर अचीव करने के, मुझे 1 जनवरी 2025 को एक लैपटॉप लेना है, वो भी किसी अच्छी कंपनी का जिसकी कीमत होगी 40,000। चलो नेक्स्ट, और मेरा सपना है 31 दिसंबर 2025 तक मुझे एनटीसी नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर रैंक को करना है, ये मेरा चौथा सपना है। और सपना है 1 जनवरी 2026 तक मुझे एक फोर व्हीलर गाड़ी लेनी है, 10 लाख लेकर
15 लाख रुपए तक समय ही डिसाइड करेंगे, ये मेरा अपना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और लिखे हैं सर, मेरे पास। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। टीसी, एटीसी, एनटीसी, सॉरी टीसी, एसटीसी, एनटीसी, कार, लैपटॉप, 5-5 ड्रीम सभी उन्होंने अपने बनाए हैं। बाकी और बनाइए, मतलब यही परिभाषा को ध्यान में रखिए, ऐसी वस्तुएं, ऐसी सुविधाएं जो आज मैं और मेरी फैमिली डिजर्व करते हैं, आज हमारे पास होनी चाहिए मगर नहीं है, वो सब सपने हैं। अब आप देखो आपकी फैमिली क्या क्या डिजर्व करती है, क्या क्या होना चाहिए, डिजर्व करना इन द सेंस बोलो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको लगता है आपके बच्चों के पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, आपके बच्चों को क्या क्या फॉरेन ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप्स, जो जो भी चीजें एक्स वाई जेड जो आपको लगती है, सब आपके सपनों में आ जानी चाहिए। चलिए और देखते हैं, और किस किस ने लिखी है आप बताइए। नेक्स्ट सिर्फ जूम हैंड रेज करके बताएंगे किन किन लोगों ने ड्रीम बुक बनाई है अपनी। यस, अनिल कुमार जी गंगानगर से, प्लीज वेलकम, अनम्यूट कीजिए सर। अच्छा बाकी लोग म्यूट रखेंगे प्लीज, बीच में ना डिस्टर्बेंस होता है तो अच्छा नहीं लगता। यस बोलिए सर, मैं स्पॉटलाइट दे रहा हूँ आपको, दिखाते चलिए और बोलते भी चलिए। वेरी गुड, माई ड्रीम बुक, दैट्स ग्रेट। यस White shirt, red tie and black suit. Professional dress code. Very good. बहुत सुंदर. These all specs. Okay. Laptop. Okay, good. बढ़िया business के लिए 1.5 लाख का Apple card. Okay. Mobile phone, Apple. 1 लाख का 1 lakh. Red tape leather shoes. Okay. For my wife. Okay. Present house innovation. Okay. Bank balance 10 lakh. Okay. Good. New car. Very good. Your property. Okay. Foreign tours. Okay. Spending holidays at Osho. थोड़ा सा अपने. Yes, yes, yes. हाँ, दिखाई भी देगा सब लोगों को. Yes. Holidays at Osho Meditation Center. Meditation centers. Okay. Beautiful bungalow. Okay. Farmhouse. Good. Most luxurious car. Okay. And myself also meditation center. Apna meditation center. Okay, that's very good. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा सबने, बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा। यस, और कौन कौन बताएंगे? पीयूष तिवारी जी, यस यस यस, कृष्णा जी आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ मैं। यस पीयूष जी, पीयूष तिवारी जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा सर, मैं तो बाहर हूँ, दिखा नहीं सकता, बता सकता हूँ बस। अच्छा अच्छा, चलिए मनीषा मैम है, वो बताएंगी, वो इधर ही है हमारे साथ में, उनसे हम उनसे देख लेते हैं। ओके सर, ओके सर। आप दिखाइए, आप दिखाइए। अच्छा बाकी लोग, जिन जिन लोगों ने ड्राइंग बुक बनाई है, ड्रीम बुक बनाई है, वो लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मी 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 सब डाल दो, मी सब लोग लिख दीजिए चैट बॉक्स में जिन्होंने ड्रीम बुक बना ली है। अच्छा जिन्होंने ड्रीम बुक ले ली है वो सब लोग डाल दीजिए मी, जिन्होंने ले ली है लेकिन बनाई नहीं है वो लिख दीजिए चैट बॉक्स में मी। यस मनीषा मैम, जिन्होंने ले ली है लेकिन अभी तक ड्रीम लिखे नहीं है वो सब लोग चैट बॉक्स में मी लिख देंगे। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने ले ली है लेकिन लिख नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं, आज का आप लोगों को चांस और दिया जाएगा, बस सिर्फ इतना हो जाएगा आपके 2 काम हो जाएंगे आज, कल तक एक काम था, आज एक काम और ऐड हो जाएगा इसमें। यस मनीषा मैम प्लीज, ये मनीषा मैं ये आपको दिखा रही हूं, ये मेरी ड्रीम फाइल है। ओके ओके ओके, अच्छा आपकी अलग है, पीयूष जी की अलग है? हाँ जी सर, इनके सब रखे हुए हैं, अभी वो पेस्ट करने बाकी है, बाकी तो लिखा हुआ सर रेडी है इनका। चलिए गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो सर ये
मोबाइल फोन है जो मुझे इस साल के एंड तक चाहिए इससे. गुड. और 20,000 पर मंथ इस साल के एंड तक. वेरी गुड. एक एप्पल लैपटॉप टिल मार्च 2025. ओके. और उसके बाद इलेक्ट्रिक कार टिल मई 2025. वेरी गुड. बहुत सुंदर. सर डायमंड रिंग टिल जून 2025. ग्रेट. और सर 200 गज का मुझे चाहिए घर टिल दिसंबर 2028. वेरी गुड. ऑडी कार टिल मार्च 2029. वंडरफुल. बहुत सुंदर जी. एंड फरारी टॉय कार फॉर आरुष टिल जून 2024 ऑफ 5 लाख की. ग्रेट. बहुत सुंदर. यस सर. और डायमंड सेट टिल दिसंबर 2024. वेरी गुड. एंड सर फार्म हाउस टिल दिसंबर 2030. ग्रेट. ये सर लॉन्ग टर्म ड्रीम थे जो कुछ तो लॉन्ग टर्म ड्रीम है. और सर ये अभी मैंने कुछ लिख रखे हैं. ये छोटे छोटे कई सारे हैं जो अभी पेस्ट नहीं किए मैंने लिख रखे हैं. कोई बात नहीं. बहुत सुंदर. बहुत बढ़िया. दैट्स ग्रेट. तालियां होनी चाहिए मैम के लिए. बहुत शानदार. बहुत सुंदर. यस कृष्णा जी अनम्यूट कीजिए. जी कृष्णा जी. कल कृष्णा जी ने तो अपने कल हमें स्क्रीन शेयर करके भी दिखाए थे. आज वो मैं शायद अपनी ड्रीम बुक दिखाने वाले हैं. जी कृष्णा. हेलो. यस सर. गुड सर. वेरी गुड मॉर्निंग सर. मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ सर. मोबाइल से दिखा रहे हो. मोबाइल से तो कल दिखा दिया आपने. मोबाइल से नहीं 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 सर मैं बना रखा हूँ. तो क्या अभी स्क्रीन शेयर करेंगे आप? नहीं 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 सर स्क्रीन शेयर नहीं. अच्छा अच्छा ओके 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 ओके. वो दिखा रहे ड्रीम बुक दिखा रहे अपनी. मैं स्पॉटलाइट देता हूँ आपको. राइट राइट राइट. यस सर. ये लीजिए माय ड्रीम बुक. यस ओके. चलिए चलिए दैट्स गुड. माय ड्रीम बुक एंड गोल बुक. ओके गुड. वाव फॉर्मल ड्रेस. बहुत सुंदर प्रोफेशनल ड्रेस. सर इसमें रीजन लिखा हूँ. सर मैं कैसा बिजनेसमैन हूँ जो इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करता हूँ. जो कि यह बिजनेस वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत बिजनेस है. रोल मॉडल है. मुझे अपने बिजनेस के हिसाब से प्रोफेशनल ड्रेस में रहना बहुत ही जरूरी है. फॉर्मल ड्रेस में फॉलोअप करने का 60% चांस बढ़ जाती है सर. वेरी गुड. बहुत सुंदर. अभी आप एक काम करिए. अभी ऐसे सब ड्रीम दिखाइए. रीजन कल पूछेंगे सबसे. अभी तो आप सिर्फ ड्रीम दिखा दीजिए अपने. रीजन कल पूछेंगे सर. नेक्स्ट हमारा ड्रीम. ओके बोलते चलिए. क्या क्या लिखा है आपने बस फटाफट बताते चलिए. सब लोगों का चेक करना. लिखा हूँ सर बीस जो माय ड्रीम तो लिखा हूँ सर. अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ाने के लिए मुझे एक स्टैंड का रिक्वायरमेंट है जो वीडियो बनाने के लिए. ओके ट्राइपॉड और माइक. नेक्स्ट सर हमारा आता है मारुति डिजायर कार टॉप मॉडल. सर ये हमें 1 मार्च 2024 को लेना है. इसकी प्राइस है 10,25,000. मेरा फर्स्ट ड्रीम कार है सर. नेक्स्ट. बहुत सुंदर. बढ़ाते चलेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है सर. नेक्स्ट सर हमारा एनटीसी का है सर. जैसे मैं सर एनटीसी बनूंगा तो सर उसके बाद ही मुझे शादी करना है. उसका डेट भी फिक्स कर दिया हूँ सर. 1 मार्च 2025 तक मैं एनटीसी बन जाऊंगा सर. ग्रेट. बहुत सुंदर. बहुत बढ़िया. मतलब मैम को डिजायर में लेके आओगे अपनी मैम. यस सर. यस सर. वेरी गुड. बहुत सुंदर. बहुत बढ़िया. सर नेक्स्ट हमारा ये सपनों का घर है सर. ये मेरा सपनों का घर है. मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन मेरा ऐसा ही घर हो. मुझे ऐसा घर होने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलेगी. 1/1/2026 तक सर इस घर को मुझे बनाना है सर. नेक्स्ट. नेक्स्ट सर हमारा नेक्स्ट दूसरा कार है सर. होंडा सिटी कार है सर. ये भी मेरे को गाड़ी लग्जरी गाड़ी है सर. तो इसको भी मेरे को लेना है सर. ग्रेट. अब मैं बहुत खुश हूँ. लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ. गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा. सर इसको भी मेरे को लेना है 1 मार्च 2028 तक. ओके
नेक्स्ट हमारा आता है सर डायमंड का। सर 1/1/2030 तक मुझे डायमंड बनना है। मैं इस खूबसूरत बिजनेस से, मैं अपने पूरे खानदान में सबसे अमीर आदमी हूँ। गुड। नेक्स्ट हमारा सर, यह मेरा सबसे बेहतर सपना है हेलीकॉप्टर। मुझे बहुत खुशी हो रही है। 1/3/2038 तक, मतलब आज से सर 15 साल का टारगेट डाल रखा हूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिले में सबसे अमीर आदमी हूँ। 16 करोड़ का सर हमारा हेलीकॉप्टर है सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। तालियां होनी चाहिए एक बार कृष्णा जी के लिए, सब लोगों की तरफ से तालियां होनी चाहिए। बहुत सुंदर बनाए हैं, बहुत प्यारे। चलिए नेक्स्ट, सौरभ तिवारी जी। बाकी लोग भी अपने जूम एंड रेज कर सकते हैं, जिन जिन लोगों ने ड्रीम्स लिखे हैं ड्रीम बुक के अंदर। यस सौरभ जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को, सब लोगों को एक काम करना है, सुनिए ध्यान से। जब तक सौरभ जी दिखा रहे अपना, जब तक मैं आप लोगों को आज का काम बता देता हूँ। आज का अगला काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आज का जो आपका काम ये है कि जो सपने आपने लिखे हैं, ये सपने पूरे क्यों करने हैं, वाई। जितने भी आपने सपने लिखे हैं, चाहे आपने ज्वेलरी का लिखा है, चाहे आपने कार का लिखा है, चाहे आपने फार्म हाउस का लिखा है, चाहे आपने बंगलों का लिखा है, चाहे आपने घर का लिखा है, चाहे आपने का लिखा है, जो भी एक्स वाई जेड आपने सपने लिखे हैं आज, वो सपनों को पूरा क्यों करना है। आपने लिखा है मुझे टीसी बनना है, तो टीसी क्यों बनना है। आपने लिखा है मुझे लैपटॉप लेना है, तो लैपटॉप आपको क्यों लेना है। आपने लिखा है मुझे मोबाइल लेना है, तो मोबाइल क्यों लेना है। हर एक ड्रीम के पीछे कम से कम 5-5 कारण लिख के लेके आने हैं, उसी कॉपी में ड्रीम के नीचे कम से कम 5-5 कारण लिख के लेके आने हैं, और तारीख लिख के लेके आनी है किस दिन ये पूरा करना है। ये आपका काम है। ये करने से क्या होगा, ये करने से आपका ड्रीम गोल में बदल जाएगा, आपका जो सपना है वो लक्ष्य में बदल जाएगा, और सपने को लक्ष्य में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पूरा करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए फाइनल, यस सौरभ जी दिखा रहे हैं अपनी ड्राइंग बुक, ड्रीम बुक सॉरी। यस सौरभ जी, बाकी जो लोग रह गए हैं उनकी हम कल चेक करेंगे। ये लैपटॉप है। यस यस, थोड़ा सा स्पॉटलाइट में दे रहा हूँ। यस, ये आपका लैपटॉप है। ओके गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 20/8/2023 तक लेना है। ओके, और ये सर ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस। ओके, आपको भी ड्रेस बनवानी है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी क्यों लेनी है, इन सबके कारण और डेट। ये सर, हाँ जी लिखे हैं सर, इधर लिखे हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। वो लिखे बताइएगा, वो कारण पेंसिल से लिखे हैं, अभी और भी लिखना है इसमें। हाँ हाँ, आज लिखिए कल बताइएगा। यस, और ये सर इन्वर्टर। ओके, बैटरी इन्वर्टर का है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 10/1/2024। और ये सर डबल बेड का। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये बेड है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट, और ये सर मतलब अपने माँ के लिए गोल्ड चैन लेना है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। यस नेक्स्ट, और ये सर अपनी वाइफ को गिफ्ट देना है। 1/3/2025 तक कार है, टाटा अल्ट्रोज कार, टॉप मॉडल एक्सी प्लस। ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और ये सर घर है जो कि 10/1/2028 तक लेना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये सर मेरा स्पेशल ड्रीम है ये, क्योंकि हमारा और मेरे पिताजी का मतलब एक ख्वाहिश है कि हमारा स्कूल हो होम टाउन में। Great. जो कि नर्सरी से 10th तक होना चाहिए। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और हमारे पिताजी की भी ख्वाहिश है कि अपना स्कूल हो, क्योंकि वो दूसरे के यहाँ जाते हैं टीचिंग करने। ओके, तो उनको मतलब अपना खुद का स्कूल हो। क्या बात है, बहुत, बहुत। और ये सर ड्रीम का है, ये डायमंड का है सर, 1/1/2028।
वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं आपने लिखे, एक बार तालियां होनी चाहिए सौरभ जी के लिए, कितने प्यारे प्यारे ड्रीम बुक बनाए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आज का असाइनमेंट समझ में आया क्या आप सभी लोगों को? आज का काम क्या है? आज का काम सिर्फ इतना सा है, जिन लोगों ने अभी तक ड्रीम बुक में ड्रीम्स नहीं लिखे हैं सबसे पहले तो ड्रीम लिखिए। ड्रीम लिखने के बाद अब एक एक्स्ट्रा काम सारे लोगों को करना है, वो ये है, हर ड्रीम के पीछे 5, 6, 7, 8, 10 जितने आप इमोशनल, उसमें इमोशनल रीजंस भी होंगे, सब कारण लिखने हैं, ये क्यों पूरा करना है, राइट। दीपिका मैम और हमें दिखा रही है, दीपिका मैम का भी देखते हैं, प्लीज वेलकम मैम, दिखाइए मैम जी। दीपिका मैम, यस यस, मैं स्पॉटलाइट दे रहा हूँ आपको। वाओ, आईटीसी ओके ओके, आईटीसी बनना है अगस्त में, ओके। बस मैम आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, ये जो आपने बीच में लिखा है ना, इसको ऊपर हेडिंग डाल के लिखना है। कल शायद थोड़ा सा आप लेट हो गई थी समझने में, आपको ऊपर हेडिंग डालनी है जिससे नीचे बहुत सारी चीजें लिखनी होंगी आपको। एक तो कारण दोबारा बना दें, दोबारा बनाना है आपको, एक तो कारण लिखने हैं सबके, एक दूसरा आपको इनका स्पेसिफिकेशन भी लिखना होगा जो कल बताएंगे, इनके पोस्टर्स भी लगाने होंगे जैसे भी आपने देखे और लोगों के, तो ये कई सारी चीजें हमें करनी होंगी। तो ऊपर मोटा मोटा हेडिंग में डाल दीजिए जैसे आरटीसी, और फिर उसके नीचे क्यों बनना है, और फिर जो उनके स्पेसिफिकेशन फोटो है वो सब आएंगे। चलिए बाकी आपने बहुत सुंदर किया, दिखाइएगा क्या क्या लिखा है। 10 नवंबर 2023 तक न्यू कार, ग्रेट, बहुत बढ़िया। भारत अच्छा, जो हमने अभी प्लॉट लिया है उसको लगातार बनाने का प्रयास, इससे अपने बेटे के लिए फिर से हॉस्पिटल मेंटेन कर सकूं सर, क्योंकि वो अब इंटर्नशिप में आ जाएगा सर। वेरी गुड। और सर 2027 में अपने छोटे बेटे को बाहर हॉस्टल में भेजने के लिए मनी सेव करनी। ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर, इतना ही बनाया मैंने, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बाकी आज कीजिएगा, अभी अच्छी बात है, आज कीजिए, आपने शुरुआत कर दी है। अजमेर मोहम्मद जी से और जानते हैं और फिर हम सब लोगों के कल देखेंगे, राइट ना, हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है, अजमेर जी का और देख लेते हैं। यस प्लीज वेलकम अजमेर जी। सर नमस्कार। नमस्कार, साथियों को मेरा नमस्कार। सर मैंने भी अपने ड्रीम फाइल कंप्लीट की है और मैं दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए सर, मोस्ट वेलकम, यस, बहुत सुंदर, माय ड्रीम फाइल अजमेर मोहम्मद, दैट्स ग्रेट, बहुत प्यारी है, यस। ये मेरा पहला पहले डायमंड लगा दिया, यस यस, पहला ड्रीम था, मुझे अपनी बिटिया को गिफ्ट करना था ड्रेस, तो मैंने कर दिया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और उसके बाद में ये मेरा सेकंड ड्रीम था, ये भी मेरा पूरा हो चुका है, गुड, ये बिटिया को बर्थडे पे गिफ्ट करना था, ओके वेरी गुड। बाद में ये भी मेरा सपना पूरा हो चुका है, ये मेरी एनिवर्सरी है, 24/5/2023 को मेरी एनिवर्सरी, मैंने अपनी वाइफ को 5,000 का गिफ्ट किया ड्रेस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और उसके बाद में ये मेरा ड्रीम है, मुझे 27/8/2023 को मुझे अजमेर शरीफ जाना है टूर पे, ग्रेट, बहुत सुंदर, ये मेरा ड्रीम है। उसके बाद में ये मेरा 23/12/2023 को मुझे एसटीसी विद कार, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, दैट्स ग्रेट, ये अचीव करना है, बहुत सुंदर। फिर मुझे ये मेरी बिटिया का बर्थडे है 26/2024 को, मुझे अपनी बिटिया को 10,000 रुपए की एफडी गिफ्ट करनी है, बहुत सुंदर, लाजवाब। उसके बाद में ये मुझे मोबाइल लेना है, ग्रेट, 23/5/2024 को, बहुत अच्छे, 30,000 तक की अमाउंट का। उसके अंदर लैपटॉप लेना है सर ये, ओके वेरी गुड।
कि हमने ये वाइफ को 50,000 तक का गोल्ड मुझे गिफ्ट करना है। गुड, डेट भी इसने लिखी हुई छप। उसके बाद में ये बाइक मुझे परचेज करनी है। मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया, तो मुझे यहाँ पे नई बाइक खरीदनी है, रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़वाना है। वेरी गुड। उसके बाद में मुझे मनाली टूर पे जाना है 23/5/2026 में विद फैमिली। उसके बाद में सर ये मुझे आरटीसी रैंक अचीव करना है। बहुत सुंदर। 23/12/2026 को। बहुत अच्छे। ग्रेट। फिर मुझे ये 27/8/2027 को मुझे अपना 150 वर्ग गज का प्लॉट खरीदना है सर। ओके, वेरी गुड। और उसके बाद में मुझे 23/5/2028 को एक फार्म हाउस बनाना, माय ड्रीम हाउस। ओके गुड, इस तरीके से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तालियां होनी चाहिए अजमेर मोहम्मद जी के लिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और ये मुझे 26/2/2029 को एनटीसी रैंक अचीव करना। ग्रेट। और इसके बाद में मुझे जब एनटीसी में बन जाऊंगा तो 23/5/2029 को मुझे 15-20 लाख रुपए की कार मुझे परचेज करनी है, सेकंड कार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उसके बाद में मुझे अपना बैंक बैलेंस बनाना है सर। ओके। ये 2/4/2030 तक मेरे पास कम से कम 15-20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ऐसा पड़ा होना चाहिए जो बिल्कुल फ्री हो, अनटच। मेरा अपना बैंक बैलेंस होना चाहिए। बहुत सुंदर। और उसके बाद में ये मुझे एक फार्म हाउस बनाना है 27/8/2031 तक 15-20 बीघे का। वेरी गुड। सबसे में एक बार जाए वहां पे खाना वाना खाए आराम से बैठ के, इस तरीके से मुझे फार्म हाउस बनाना है। और ये 2032 तक, 23/12/2032 तक मुझे डायमंड शिप अचीव करनी है और विद 1 CR की मुझे कार खरीदनी है। क्या बात है, मर्सिडीज बेंज। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ग्रेट जी सर। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तालियां होनी चाहिए अजमेर मोहम्मद जी के लिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट। कितने प्यारे प्यारे देखे ड्रीम्स आप लोगों ने। चलिए, तो आज हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर निशा भारती मैडम जी को। मैडम जी आए और आज अपने गोल्डन वर्ड्स के साथ आज के इस मीटिंग का समापन करें। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू मुकेश जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबके ड्रीम्स देख के। एक एक व्यक्ति का जो ड्रीम है ना, वो वास्तव में अंदर एक बहुत ही खुशी दे रहा है। और देखिए, जितने लोग ड्रीम नहीं दिखा पाए वो बिल्कुल भी मायूस ना हो। एक एक व्यक्ति का ड्रीम देखना है और एक 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 चीज को हमें रेगुलर, ये कमांडो ट्रेनिंग सिर्फ ऐसी नहीं है कि जैसे हम लोग शुरुआत से एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करते आ रहे हैं कि ठीक है बोल दिया आपने, किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। अभी भी ऐसी ट्रेनिंग चलेगी, यदि डिस्ट्रीब्यूटर का मन कर रहा है करने का तो बहुत अच्छा लगेगा, वो बताएंगे। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहा है तो कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हो सकती, लेकिन कमांडोज के साथ तो फॉलो बड़ा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और आज मैं ये तय करूंगी किस किस का फॉलो किसके माध्यम से होने वाला है। अभी कल तक तो फुर्सत नहीं मिली थी, लेकिन आज मैं इस काम को जरूर करने वाली हूँ। और हमारे एसटीसी लीडर्स तैयार हो जाएं। सभी नीचे से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपनी ड्रीम बुक बनाई है या नहीं बनाई है, तो कितनी बनाई है, कैसी बनाई है, ये सारा फॉलोअप आपको मिलने वाला है अपने एसटीसी एंड अबव लीडर्स से। तो सभी लोग निश्चिंत रहिए। यहाँ पर मुकेश जी तो हो सकता है 2-3 लोगों से पूछ पाते हैं, समय की हमारे पास सीमित होता है, लेकिन आप लोगों से रोज का रोज असाइनमेंट पूछा जाएगा। तो यदि जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास मानिए, जो कमांडो बनने का आपने डिसीजन किया है, वो आपको डेली के डेली आपके असाइनमेंट को पूरा होने से ही आप एक कमांडो बन के तैयार होंगे, वरना तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर ही रह जाएंगे। तो आपको कमांडो बनना है या डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ये आप ही का फैसला होगा। हम तो आपके दोनों फैसले के साथ हैं। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बने रहना चाहते हैं तो उसमें भी आपका सहयोग करेंगे, और यदि आप कमांडो बनना चाहते हैं तो आपके साथ दौड़ने के लिए हर पल तैयार रहेंगे। तो आपको तय करना है कि आप
अभी डिस्ट्रीब्यूटर बन के रहेंगे या फिर आप कमांडो बनेंगे, हम आपका फॉलो अप करेंगे और करवाएंगे, और आपको अपनी ड्रीम फाइल जो अब तक नहीं बनाई है, खरीद ली है, तो उस पर लिखिए, उस पर चित्र लगाइए और थोड़ी सी मेहनत करिए। आप सोचेंगे इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, विश्वास मानिए ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये जो बच्चों की तरह जो आज आप तो सभी आज कंप्लीट करिए, और आज 2 बजे के बाद आपका फॉलो अप होगा, और उस फॉलो अप में आपका यस और कितना हुआ और कितना नहीं हुआ वो स्पष्ट हो जाएगा, और उन्हीं लोगों के नाम अब डेली उसमें आएंगे, कमांडोज में हम ग्रुप में भी डालेंगे जो अपने असाइनमेंट पूरे कर रहे होंगे। जो लोग असाइनमेंट पूरे नहीं करेंगे उन लोगों को वास्तव में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर पूरा सम्मान और प्यार दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों को एज ए कमांडो नहीं हम कह पाएंगे। तो आप सब लोग कमांडो बनना चाहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। अभी तक यहाँ 78 लोग हमारे बीच में हैं, जिसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर की तरह से इस बिजनेस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, और कुछ लोग कमांडोज भी हैं जो इसको हर हाल में जीतने के लिए एक जुनून के साथ कर रहे हैं। तो सबका दिल दिल से स्वागत है, आप सभी लोग इस मीटिंग में रहेंगे और सीखेंगे, लेकिन कमांडोज अपने आप को 100% एक्टिव रखते हुए एक एक असाइनमेंट को डेली पूरा करेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद भी करती हूँ, और आप लोगों से मैं वास्तव में आपकी सफलता के लिए, अपने सपनों की, आपके सपनों की सफलता के लिए जरूर कहूंगी कि आप इसको पूरा करिए, और देखिए चमत्कार होगा आपकी जिंदगी में और सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे जो भी आपने देखे, और अभी जो नहीं देखे वो भी पूरे होने वाले हैं यदि आप इस चीज को रेगुलर करते हैं। तो बहुत बहुत बधाइयां आप सबके सुंदर प्रयासों को, और आपकी ड्रीम बुक को यहाँ अगर नहीं देख पाए तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि देखी नहीं जाएगी, वो रोज की रोज देखी जाएगी, उसकी रोज की प्रोग्रेस देखी जाएगी, और पर्सनली हम ये देखेंगे कि कौन देखेगा किसको, ताकि टीम वर्क में हम सबको देख सकें अच्छी तरीके से, जूम मीटिंग के माध्यम से चार चार लोग भी। और जिसको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि दिखाना है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपके देखने के लिए हर वक्त रेडी हूँ, मैं आपके लिए तैयार हूँ, मुझे दिखाइए, मैं देख। विश्वास करिए आप सोच भी नहीं सकते, ये वो सेलिब्रेशन होगा जिसमें कमांडोज को इतना इतना अच्छा फील होगा कि वो कहीं के राजा महाराजा हैं, ऐसा फील होगा कि उन्होंने कुछ जबरदस्त करा है, ऐसी फीलिंग उनको वहां पे आने वाली है। तो मसूरी में बेस्ट सम्मान के लिए, मसूरी में एक शाही सम्मान के लिए वो लोग तैयार हो जाएं जो आज बच्चों की तरह छोटे छोटे काम ड्राइंग बुक में और स्केच पेन से कर कर के तैयार हैं, उनका बेहतरीन सम्मान होगा, और वास्तव में उनको उस चीज के लिए बहुत 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 सम्मान दिया जाएगा। तो सबको मैं फिर से बताना चाहूंगी कि कमांडो आप बनिए और कमांडो बन के जीत हासिल करिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और अब हम इस मीटिंग को यहीं पर क्लोज करेंगे। हमारे TCN Debab लीडर्स, सभी कमांडोज लीडर्स मीट के लिए इमीडिएट कनेक्ट।